Hey guys, what is up? Welcome to my YouTube channel. Guys, सुबह से तो क्या ही व्यू दिख रहा है. I can't really get over this Airbnb. इतना beautiful है कि पूछो ही मत. ऐसे लग रहा है यहीं पर है, but नहीं, हमें बाहर भी जाना है. तो आ जाओ अंदर करके. So guys, हमने अभी house tour का Airbnb के लिए video बनाया. और अभी ट्रांजिशन बना रही हूँ मैं. मेरे दिमाग में इस सर में चॉपस्टिक डाला है और मेरे हाथ में भी चॉपस्टिक्स हैं. तो क्यों जा रहे इतना पीछे? क्योंकि मैं 2x में हूँ. ओह नो. तो ये मैंने अवेज का बोरो किया, ये अवेज ने पहना था, अच्छा लग रहा है. मुझे भी ऐसा और एक खरीदना पड़ेगा. बताओ क्यों? क्यों अगर वो जो इनके यहाँ पे जो टेम्पल्स होते हैं जापनीज, वो रेड के साथ अच्छे लगेंगे, है ना? अगर रेड रहेगा तो मैं रेड किमोनो पहनूंगी, व्हाइट और रेड. ठीक है, आई विल मेक अप फॉर इट. चलो गाइस, शूट करते हैं ट्रांजिशन. कहाँ जा रहे हो? शूट करने जा रही. ऐसे हम लोग अच्छा लोकेशन ढूंढ रहे हैं एक ट्रांजिशन को कंप्लीट करने. घर के वाले ही रहते हैं, बट सोचो धूप में करेंगे तो कैसा लगेगा. ए वाह, मस्त लग रहा है. रेड इधर. हाँ, तो यही करेंगे. चलो जापान की महारानी बाहर आई है. अरे बात, दरवाजा थोड़ा परेशान कर रहा है क्योंकि मैं तो बच्चा रो रहा है. उनका ही बच्चा कुछ तो उसकी मम्मी लोग ने परेशान किया. मजा आती है अब्बू और कोई बच्चे ना उनको सताते हैं तो. सो अभी हमने नॉर्मल, मतलब मैंने कपड़े चेंज कर लिया है और हम शूट के लिए जा रहे हैं. एप्पल का कैंडी खाने वाले. यहाँ का बहुत फेमस है. यहाँ पे ना पहले ये देखो गाइस, कॉइन पर्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा है मेरे बैग में ऑलरेडी कॉइन पर्स है, बहुत कॉइन्स लगती रहती है यहाँ पे. सो मैंने ये कैंडी वाला एप्पल ले लिया है. वेट, मैं थोड़ा लाइट में जाती हूँ. सो यस, मैंने ये कैंडी वाला एप्पल ले लिया है और मैं इसका फर्स्ट बाइट लेने वाली. मुझे नहीं पता मैं कैसे खा पाऊंगी, कैसा रहेगा अंदर से. लेट्स स्टार्ट. ये देखो ये एकदम कड़क है बट क्या शाइन हो रहा है. सो लेट्स ट्राई इट. कैसे खाने का? मैं गलत तरीके से खा रही हूँ क्या? मुझे नहीं खाया जा रहा है. मुझे इन लोग को देखना पड़ेगा, दूसरे लोगों को. मैंने स्ट्रॉबेरी देखा है खाते वक्त बट ये खाने नहीं जा रहा है. बहुत जोर का खाना पड़ेगा, समझ गई हूँ. अब इसको दिखा के आती हूँ. अच्छा लगा. देखो भी बाहर जाना है, मेरे को भी बाहर जाना है. मिहिर के लिए थोड़ा बाहर जाना है. 3, 2, 1. नगमा देख रहे हो टैलेंट? क्या बात है यार सुल्तान, तू ही बना डीओपी का क्रॉस कर दिया. इंसेन, अब तू वो नहीं है, आर वाला. आर रजी. 3, 2, 1. गाड़ी आ रही गाइस. चल रोलिंग. गाड़ी आ रही. और अरे माँ, दो आ गई. देखो गाइस, हमारे ऑडियंस बहुत प्यारे लोग हैं, हमारे लिए क्लैप कर रहे हो लोग. एक वीडियो है, उसमें भी एक बंदा आके मेरा वीडियो ले रहा है. जाओ देखो. राधिका, तो ये यहाँ की वन ऑफ द मेन स्ट्रीट्स है. यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है और यहाँ पे है जो आपको कल दिखाई थी, माय नेबर टोटोरो का जो कैफे. वाओ, मैं इधर रील बनाने वाली हूँ फॉर श्योर. वाओ, ये शॉप है क्या? ओ, ये कुछ और शॉप है. ये है स्टूडियो जिबली. ओ वाओ, लाइफ साइज टोटोरो. यहाँ पे सब शॉपिंग करनी है मुझे भी जल्द से जल्द. आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी प्रिटी चीज है यहाँ पे. अगर मेरा बस चले तो मैं सब खरीद लूंगी. ओ माय गॉड. सो मैंने अभी पूरा लेन देखा है. मोस्टली यहाँ पे सब एक्टिविटीज जैसे चीजें हैं, जैसा
रिंग मेकिंग, तो यहाँ पे शायद आप पॉट्स बना सकते हो या कुछ कर सकते हो. एंड काफ़ी सारे क्यूट क्यूट कैंडी एप्पल के शॉप्स हैं और खाने पीने के शॉप्स हैं, बहुत ही क्यूट है. बस यहाँ पे चलने में इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं इतनी एक्साइटमेंट, इतनी खुशी कोई और हॉलीडे लोकेशन पर मुझे तो आज तक नहीं मिली है. आई थिंक वाओ, ये अलग ही दुनिया है ऐसा लगता है. और आई थिंक आप हर बार जब भी ट्रैवल करते हो अलग अलग जगह पर, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की चीज़ें हैं, वो सब देखने में बहुत मज़ा आता है. एंड जापान इज़ नेक्स्ट लेवल. हाँ, यूरोप का बहुत अलग है, जैसा पेरिस, एम्स्टरडम बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छा है, वो भी देखने में वो एकदम अनरियल लगता है. बट ये यहाँ पे ना गाइस, मैं बताऊँ क्या, यहाँ पे अपना मेरा इनर चाइल्ड इतना खुश है, मतलब मैंने ऐसा कैप्शन भी डाला है, बट ये सच है. बिकॉज यहाँ पे जो भी मैंने बचपन में कार्टून्स, एनिमे जो भी देखे, उन सब के हर जगह पर पोस्टर्स है. ये लोग कुछ भी हो जाए, बड़ों की चीज़ हो जाए, छोटों की चीज़ हो जाए, उसमें एनिमे या थोड़ा सा एनिमेटेड चीज़ें यूज करते हैं फॉर देयर एड्स एंड एवरीथिंग. माइंड ब्लोइंग, मतलब ऐसा लगता है कि आप टीवी के अंदर चले गए हो, यू नो. और बचपन में आप निंटेंडो खेला रहेगा, आपने सेगा खेला रहेगा, सबके जो गेम्स हैं उससे भी रिलेटेड सब कुछ है यहाँ पे. एंड सब किमोनो पहन के इतने प्यारे लग रहे हैं, कांट वेट टू वेयर माइन. बस मैं बस बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. कल पहनने वाली हूँ, प्लानिंग आज की थी, बट आज हमारे थोड़े कोलैब के शूट से सब थे तो रह गया थोड़ा. आई नो मैंने बहुत बार बोल दिया ऑलरेडी, बट जापान इज ब्यूटिफुल गाइस, सीरियसली. फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मतलब मैंने बहुत सारे रील्स सेव किए थे कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, बट नहीं, मुझे एक्सपीरियंस करना. बना रहे हम जितना हो सके, हमसे बना रहे सब चीज़ें, बट हमारी जगह. सो हम अभी थोड़ा ये इंसेंस स्टिक मैं यहाँ से लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी. सो आई थॉट कि मैं ले लेती हूँ एक, तो मैंने ये वाला लिया है, लिटिल स्ट्रीम बेस्ट सेलर्स में से एक है. और एक मैंने लिया है जो यहाँ इन्होंने जलाया है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैग्नोलिया, आई थिंक मैं प्रोनाउंस बराबर कर रही हूँ. तो जापनीज इंसेंस स्टिक्स बहुत फेमस है, एंड मैं सोचा क्यों नहीं एक ले लेती हूँ, मेरे में एक नहीं सॉरी दो लिया मैंने. सो ये अरिगातो. यहाँ पे देखो आप रिंग बना सकते हो खुद की, कैसी भी चाहिए वो. यहाँ पे कैलीग्राफी होती है, सो कूल. ये मैंने बताया ना पहले सब गाइस, मैं क्यों बता रही हूँ वापस. तो अभी हम सुविनेर्स लेने आए हैं थोड़ा, क्योंकि हमें दिख गई है शॉप और भूल ना जाए, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेके रख रहे हैं. मैंने अभी क्योटो का मैग्नेट ले लिया है, फ्रिज मैग्नेट. अभी मुझे वो कैट चाहिए जो क्यूट सी होती है. ये देखो, ये ड्रेस दे दो. अरे लूज हो जाएगा मुझे. ओह शिट. तो अभी हम सब खाना खाने आए हैं, हम अभी इंडियन खाना खा रहे हैं क्योंकि मन हो रहा था. इंडियन खाना खा रहे, वो भी जापान में, वो भी बांग्लादेशी लोगों के बनाए हुए. यस, वी आर वेरी कल्चरल, बट कोई नहीं, कुछ भी बोला हमने अभी फिलहाल. बट यस, हमने थोड़ा चना मसाला और बिरयानी ये सब ऑर्डर की है. मुंह में पानी आ रहा है, बहुत भूख लग रही है. एंड इसके बाद हम एक जगह कुछ खरीदने जाएंगे. फिलहाल क्योटो में मैंने देखा है सारे शॉप्स अराउंड 6:30 बंद हो जाते हैं, जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस के पास होते हैं ना. तो इसीलिए अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं कि अभी रात हो गई है, तो खाना खा के घर जाएंगे, एडिट करेंगे, सुबह जल्दी उठ के बाहर फिर से जाएंगे. पकोड़े इतने मज़ेदार हैं. ऐसे चिकन पकोड़े मैंने नहीं खाए कभी. क्या तुमने खाए? मैंने चिकन पकोड़े खाए, बट ऐसे पकोड़े ऐसे नहीं बोलो. नहीं देख के आपको देख के उर्फी खाना है.
तो हम फिर से डोंकी होते में आ गए हैं यहाँ पे. तो आप घुसोगे ना एक बार, आप देख सकते हो इतने इतने जो प्रॉपर ऑथेंटिक जापानीज स्किन केयर जो वायरल टिकटॉक प्रोडक्ट्स है सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे. एंड इतनी वैरायटी है, इतनी चीज़ें हैं और अच्छे प्राइस में. और जापान में एक चीज़ है यहाँ पे, आपको जो विंटेज ब्रांड्स होते हैं, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, आपको जो भी पता है, हर जगह अवेलेबल होते हैं, वो भी इतने अमेजिंग प्राइस में. एंड यू डोंट हैव टू बी वरी अबाउट पीपल सेलिंग यू काउंटरफेट और फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर नॉट फर्स्ट कॉपी. जापान में अलाउड ही नहीं है फर्स्ट कॉपी बेचना, और इट्स अ क्राइम. ये एक बहुत ही नोन ब्रांड है डोंकी होते. सो यस, ये उनका लोगो है, ये जो पेंगुइन है ना, ये उनका लोगो है. तो अब इधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कोच और काफ़ी सारे ब्रांड्स मिलेंगे अमेजिंग प्राइस पर. ऐसी ऐसी चीज़ें ना, एक्चुअली कोई कोई चीज़ें होती है ना जो शायद ओल्ड हो गई होती है ट्रेंड में, तो वो लोग यहाँ पे रख देते हैं, बट प्राइसिंग यम्मी. देखो ये है टोट बैग जो बहुत ही वायरल हुआ था, ये यहाँ पर है 12,000 या 15,000 में, विच इज़ अ गुड डील. बट मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर रही हूँ आपको आइडिया नहीं है. तो मैंने यहाँ से विवियन वेस्टवुड की ज्वेलरी ली, इतनी अच्छी विंटेज कलेक्शन है, और उनके पास ये सब कलेक्शन है जो अवेलेबल नहीं है, जो या तो ख़त्म हो चुका है. एंड अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे, सीको की वॉचेस एज इट्स मेड इन जापान, तो और भी ज़्यादा अच्छे रेट में मिलेगी. कोच, बर्बरी, पहले तो हमें लग रहा था कि ये रियल है कि मतलब क्या है, क्योंकि बट अमेजिंग ब्रांड्स एंड अमेजिंग क्वालिटी. देखो डीजल के भी काफी सारे बैग्स हैं यहाँ पे. ये डीजल का बैग कितने का है? ऑब्वियसली ओरिजिनल है. व्हाट, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 8,000 का है. चलेगा 8,000 का है ना, बट अच्छा है. यहाँ पे कोच के बैग्स है अमेजिंग प्राइस में, गाइस ये अराउंड 22,000 या 23,000 टाइप्स है कुछ. एंड ये बैकपैक जो इतना महंगा मिलता है यहाँ पे 20,000 का है, प्लस इसके बाद आपको टैक्स फ्री भी मिल जाता है. तो ये आउटलेट के होते हैं ना, तो इसके लिए इनका प्राइस इतना कम होता है. बट अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए जो आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो, कोई वॉलेट या कुछ, देन इट्स अ वेरी गुड डील. यहाँ पे वॉचेस तो भाई कचरे जैसी बिकती है. ये 1,000 रुपये की है. मेरा मन कर रहा है लेने का, बट आई नो मैं ये कब पहनूंगी मुझे नहीं पता. सिल्वर वाली लू क्या, मुझे सिल्वर वाली चाहिए थी जो विंटेज होती है. यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे रेट का सब कुछ है, मुझे सब लेने का मन कर रहा है, बट नो नगमा कंट्रोल. मुझे हैट लेने का बड़ा मन है. सो बहुत सारी शॉपिंग की, आप लोगों को हॉल में बहुत मज़ा आने वाला है. इनफैक्ट हॉल के मैंने जैसे पहले कहा दो दो पार्ट्स बनेंगे, इतनी शॉपिंग है. और हम आपको देखना हमारा सामान, एक मिनट, वन ऑफ द सामान. ये क्या है, एक्सेस लगेज का तो वाट लगने वाली है. ये उसमें सारे स्किन केयर और हेयर प्रोडक्ट्स हैं. ये भी है, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, इसीलिए लेने का मन कर रहा है सब कुछ. स्किन केयर भी बहुत ही सस्ता है, मतलब 200, 500, 900 ऐसे रेंज में है. तो हम सब ने लिया अपने अपने लिए, तो इसीलिए ज़्यादा दिख रहा है. बट इंडिविजुअली देखा है तो बहुत नहीं लिया है, बट बहुत अच्छी चीज़ें ली है. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ.